Hey friends, if you really want to make your learning easy, then do subscribe and press bell icon. Hi students, and welcome back to your channel Tacts and Tricks. So आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और इसमें जो भी चीज़ें हमने एडमिशन में करी थी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें सारी एडजस्टमेंट्स देखनी है. सो वन बाय वन हम एक एक वीडियो देखते जाएंगे. सो आज हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मीनिंग क्या होता है और हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग. सो आपको दिया हुआ है कि रिटायरमेंट का मतलब होता है कि जब एक पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है. सो दैट इज कंसीडर्ड एज रिटायरमेंट. रिटायरमेंट क्यों होती है उसके तीन रीजंस हो सकते हैं. नंबर वन, अगर अग्रीमेंट में मेंशन हो कि इस एज के बाद एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो जब हो सकती है. नंबर टू, अगर सारे पार्टनर्स अग्री करते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टनर को रिटायर हो जाना चाहिए तो अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट ऑफ एवरीवन रिटायरमेंट हो जाती है. एंड नंबर थ्री, अगर एक पार्टनर अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो रिटर्न नोटिस में लिख कर दे देता है और सारे पार्टनर्स उसको अग्री करते हैं एंड देन वो पार्टनर रिटायर हो जाता है. और रिटायरमेंट होने के बाद भी जो फर्म होता है वो पूरा जो ओल्ड पार्टनरशिप होती है वो पूरी डिसॉल्व हो जाती है और एक न्यू पार्टनरशिप एस्टैब्लिश होती है. सो अल्टीमेटली जैसे एडमिशन में होता है ना कि नया पार्टनर आता है, रिवैल्यूएशन होता है और फिर न्यू रेशियो आता है, बिल्कुल इसी तरीके से रिटायरमेंट में पार्टनर जाता है एंड देन रिवैल्यूएशन होता है एंड देन न्यू रेशियो आता है. बस एडमिशन में आ रहा होता है पार्टनर वाइल रिटायरमेंट में पार्टनर जा रहा होता है. अब हम ये देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या अपकमिंग एडजस्टमेंट्स देखनी है. सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि चेंजिंग इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो होता है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. नंबर टू, हम देखेंगे गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा. नंबर थ्री, हम देखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. नंबर फोर, हम देखेंगे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है. नंबर फाइव, हम लोग देखेंगे कि रिटायरिंग जो पार्टनर है उसका जो पेमेंट्स है वो कैसे दिया जाता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है. एंड लास्टली हम लोग देखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट्स. तो ये सारी अपकमिंग एडजस्टमेंट्स है कि आप कह सकते हो अपकमिंग वीडियोस है. आज की वीडियो में हम करेंगे सबसे पहला टॉपिक, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो. सो चेंजिंग इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में दो केसेस दिए हुए हैं. सबसे पहला केस दिया हुआ है जब पार्टनर रिटायर हो रहा है और हमें क्वेश्चन में व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, यानी हमें क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो. और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशियो क्या होगा. सो लेट अस सी, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ए इज टू बी इज टू सी. अब आप देखेंगे कि इनका एलसीएम सेम नहीं है, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता है. सबसे पहले एलसीएम कॉमन होना चाहिए, उसके बाद ही हम फर्दर स्टेप्स कर सकते हैं, तो वो हम कर देते हैं. सो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों का एलसीएम मैं ले लेती हूँ 10. एंड आई होप आपको एलसीएम तो फाइंड करना आता ही होगा, राइट. सो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1. यानी कि जो ओल्ड रेशियो हुआ फाइनली वो ए बी सी का कितना हुआ, 5:4:1. ये क्या हो गया, ओल्ड रेशियो. क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है, नहीं. क्या कुछ न्यू रेशियो के बारे में दिया हुआ है, नहीं. सिर्फ बोला हुआ है ए रिटायर हो रहा है. तो सिंपली जब हमें ये रेशियो पता है ओल्ड रेशियो और हमें पता है कि ये रिटायर हो रहा है, तो अब जो बी इज टू सी है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग रेशियो है दैट इज 4:1. बहुत ही सिंपल सी थिंग है. जब हमें कोई और इंफॉर्मेशन ही नहीं दी हुई है, सो व्हाट कैन वी डू, वी कैन जस्ट डू कि जो रिमेनिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स का है वही उनका क्या हो जाता है, न्यू रेशियो. सो दिस इज अ वेरी सिंपल केस. अब केस नंबर टू में देखते हैं जिसमें दिया हुआ है व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स
acquire the share of retiring partner in specified ratio. जो partner firm छोड़ के जा रहा है उसका जो share है वो किसको मिल रहा है? Remaining partners को in a specified ratio. अगर ऐसा होता है तो हमारा formula क्या हो जाता है? So the formula is new share is equals to old share plus acquired share. Old share जो question में दिया हुआ है वो और acquired share जो retired partner का मिल रहा है in a specified ratio वो. Let us see an example. यहाँ पे दिया हुआ है तीन partners हैं A is to B is to C. Ratio old दिया हुआ है 5:3:2 and B retire हो रहा है और remaining partner उसका share acquire कर रहे हैं in the ratio of 2:1. तो सबसे पहले देखते हैं कौन retire हो रहा है B. B का शेयर कितना है 3/10. ये किसको मिल रहा है? ये मिल रहा है A को और C को. कौन सी रेशियो में मिल रहा है? 2:1 के रेशियो में. तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है acquired share. अब इसको हम कैलकुलेट कर दें acquired share को. ठीक है. So 3/10 का 2/3 इसको मिल जाएगा एंड सिमिलरली 3/10 का 1/3 सी को मिल जाएगा. राइट तो इसको मिल जाएगा 6/30 एक्वायर्ड शेयर और इसको मिल जाएगा 3/30 एक्वायर्ड शेयर. राइट ये आ गया ए का एक्वायर्ड शेयर, ये आ गया सी का एक्वायर्ड शेयर, ये हो गया ए का ओल्ड शेयर, ये हो गया सी का ओल्ड शेयर. अब हम क्या करते हैं? न्यू शेयर फाइंड आउट कर लेते हैं. फॉर्मूला तो हमें पता ही है न्यू शेयर का क्या है, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर. तो ओल्ड शेयर कितना है 5/10 एंड एक्वायर्ड शेयर कितना है 6/30. राइट एंड सिमिलरली इसका करेंगे किसका, सी का. सी का ओल्ड शेयर कितना है 2/10 एंड एक्वायर्ड शेयर कितना है 3/30. तो सिमिलरली यहाँ पे अब हम लोग एलसीएम निकाल देंगे एंड फाइनली पूरा कैलकुलेशन कर देंगे. तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा सो यहाँ पर आ जाएगा 21/30 एंड यहाँ पे आ जाएगा 9/30 एंड हेंस ए इज टू सी हम लिख सकते हैं 21:9 या फिर हम लिख सकते हैं 7:3. सो दैट इज द न्यू शेयरिंग रेशियो ऑफ A is to C. सिंपल. दूसरे केस में जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका शेयर A और C को मिला इन द रेशियो ऑफ 2:1. सो एक्वायर्ड शेयर आ गया, ओल्ड शेयर आ गया, दोनों को प्लस कर दिया तो ये न्यू शेयर आ गया. सो दिस इज द वे. ये तो बहुत ही सिंपल वे है और ये भी सिंपल वे है जिसमें न्यू रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो. सो दैट इज हाउ यू हैव टू फाइंड द न्यू ratio. I hope the concept is clear to you. Still, if any doubt, then you can write in the comment box below. That's it. Thank you.